नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के सुरमपुर गांव में शहीदों के लिए स्मारक बनाने को लेकर मिट्टी इकट्ठा की गई। ये कार्यक्रम भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान आरसीपी सिंह ने ललन सिंह के बयान मिट्टी इकट्ठा करने से 2024 में एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपना महल बनाने के लिए नहीं बल्कि शहीदों का स्मारक बनाने के लिए मिट्टी संग्रह करा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक इसलिए नहीं बनाया जा रहा क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोग मौका परस्त हैं। सुनिए, जो उपकार है वो कौन मिट्टी में मिलेंगे? जो भी प्राणी जिसमें जीवन है इस पृथ्वी पर जो भी आया है सबको एक दिन मिट्टी में मिलना। ऐसा नहीं है कि हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे और वो लोग कहाँ जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी सोच देखिए प्रधानमंत्री जी की, देखिए सोच पर जाइए। प्रधानमंत्री मिट्टी काहे के लिए इकट्ठा करवा रहे हैं? कोई महल बनवाने के लिए? ये दिल्ली में जितने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए, जितने हमारे फौजी शहीद हुए देश की सुरक्षा में, और पूरे देश से मिट्टी इकट्ठा किया जा रहा है, और वहाँ ये 75 साल जो हमारा पूरा हुआ देश को आज़ाद हुए उसके लिए स्मारक बनाया जा रहा है। अब इस पर भी अगर आपत्ति है, इन लोगों के पेट में दर्द होता है। जेडीयू एमएलसी और बालू माफिया राधा चरण सेठ की गिरफ्तारी के मामले को लेकर जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जेडीयू एमएलसी मोहम्मद खालिद अनवर ने बताया कि भाजपा और केंद्र सरकार की एजेंसियां नरेंद्र मोदी के इशारे पर विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है और इसी के तहत राधा चरण सेठ की गिरफ्तारी हुई है। अपोजिशन को परेशान करना, अपोजिशन को तंग करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है और राधा चरण शाह हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और एक प्रकोष्ठ के चेयरमैन भी हैं। तो ठीक है, ईडी ने उनको बुलाया है, उनको गिरफ्तार किया है। मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर बिला वजह उनको परेशान किया जा रहा है तो लोग, जनता देख रही है और जनता 2024 में इसका फैसला करेगी। ये तो पिछले तकरीबन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तब से जितने इंस्टीट्यूशन हैं सारे इंस्टीट्यूशन को बीजेपी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए सरकारें आती जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारें बनती हैं, रहती हैं, चली जाती हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस जितने ये हमारे एसेट्स हैं और देश उनके ऊपर फख्र करता है। मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा पॉलिटिकलाइज करके, इस तरह से पॉलिटिसाइज करके किसी भी मामले को, इंस्टीट्यूशंस को, ये देश का नुकसान हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। फारबिसगंज सहरसा दरभंगा रेल सेवा अविलंब बहाल करने की मांग को लेकर नागरिक संघर्ष समिति फारबिसगंज के द्वारा शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से स्टेशन चौक तक अध्यक्ष शाहजहां शाद के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च के जरिए रेल प्रशासन केंद्र सरकार के विरुद्ध, इस रेल खंड पर अब तक यात्री रेल सेवा चालू नहीं किए जाने के विरुद्ध नारेबाजी की गई। सबसे खास बात यह है कि इस मार्च में लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावे व्यवसायियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर 5 बार सांसद रह चुके पूर्व सांसद सुखदेव पासवान ने कहा कि फारबिसगंज सहरसा रेल लाइन पर मेगा ब्लॉक लिए 14 साल बीत गए पर अब तक इस यात्री रेल सेवा बहाल नहीं हो पाई है। पूरे भारतवर्ष में शायद ये पहली घटना है। पूर्व सांसद ने कहा कि एक राजनीतिक साजिश के तहत इस रेल लाइन के ट्रेन को बाधित रखा गया है। पिछले 15 बरस से फारबिसगंज सहरसा दरभंगा रेल अवरुद्ध है, तो आखिर सरकार क्या चाहती है कि सीमांचल और मिथिलांचल को हम अलग कर दे, यहाँ के व्यवसाय को हम बर्बाद कर दे, यहाँ के आम जनों को बर्बाद कर दे। आज लोगों को सहरसा जाने के लिए 220 रुपया खर्चा होता है बस में, अगर ट्रेन चालू हो जाए तो 50 रुपया हम लोग सहरसा चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि गरीब लोगों को सरकार चाहती है हम परेशानी में डालें, तो ये नहीं चलेगी। सीमांचल के लोग अब सजग हो गए हैं। 2014 वर्ष से जो ये रेल खंड बंद है, जैसे कि आपको मालूम है कि बीआरएस हो गया है, रेल लाइन चालू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार राजनीतिक दबाव के कारण इस रेल लाइन को बाधित करके रखा है।
अररिया में चोरी के ट्रक से पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य के 613 किलोग्राम गांजा की खेप को जब्त किया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 5 सितंबर को चोरी के एक ट्रक से बरामद किया गया था, जिसमें तहखाना बनाकर गांजा की बड़ी खेप को रखा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक के तहखाने की जाँच की गई तो लाखों रुपए मूल्य के 613 किलो गांजा बरामद किया गया। अररिया थाना में दिनांक 5/9/23 को एक चोरी की ट्रक की बरामदगी हुई थी। उसमें गुप्त सूचना पर कि ट्रक में बने तहखाने की जांच करने पर उसमें 613 किलो गांजा बरामद किया गया है। मामले में कांड दर्ज किया गया है और अनुसंधान किया गया। सर, इसका पता कैसे चल पाएगा सर? पूर्व में जो कांड दर्ज किया गया है चोरी का, उन जो बंद अपराधी हैं, जो ट्रक का ड्राइवर है, उसे हम लोग पुलिस रिमांड पे लेंगे। उनसे पूछताछ इस संबंध में की जाएगी और कांड का अनुसंधान को आगे। अररिया थाना में दिनांक 5/9/23 को एक चोरी की ट्रक की बरामदगी